नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका थपले। रुक करेंगे इस वक्त रिपोर्टर्स रिपोर्ट की तरफ। आगरा में इंटरनेशनल कुश्ती खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसे बेटियों का प्रश्न काफी सराहनीय रहा। बेटियों ने पहलवानी में काफी कमाल दिखाया, जिसके चलते विधायक ने 11,000 रुपए भेंट किए। बता दें कि पहलवानी में यामिनी ने गोल्ड मेडल जीतकर देश प्रदेश और क्षेत्र के साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन किया। इस इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिता में भारत के अलावा नेपाल, रसिया, श्रीलंका और भूटान के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था। आगे किस तरीके की रणनीति है, आगे रणनीति है? मैं गीतम सिंह, मेरा ये पैतृक गांव है जारो कटरा, ये बनखंडी अखाड़ा है हमारा, बहुत पैतृक है। सालों से हमारा रविंद्र भाई ये यहाँ पर एक अच्छी पहल की है, बच्चों को बेटा बेटियों को बहुत बढ़िया कुश्ती सिखाते हैं। रविंद्र भाई किसी कारण से पहलवान नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने ये कसम ली कि मैं आगे वाली पीढ़ी को भी बदलने की कोशिश करूँगा, और उसी कड़ी में ये छोटी सी बेटी निकल के आई है जो नेशनल अवार्ड लेके आई है हमारा ग्रेट इंडिया संगठन। फरुखाबाद में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव के नेतृत्व में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ने 2 अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है। बता दें कि बजरिया रोड पर अवैध अतिक्रमण को हटवाया। शहर में सभी प्लॉटिंग अवैध है, एक भी प्लॉटिंग ऐसी नहीं है कि जिसमें लेआउट को पास कराया गया हो, तो उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है। और आज यहाँ पर ये भोपाल पट्टी में जो प्लॉटिंग है, इसमें हम लोग कार्रवाई। कितनी अवैध प्लॉटिंग है? 100 से अधिक संख्या में प्लॉटिंग चल रही है। निशान भी लगाए हैं क्या प्लॉटिंग में? निशान बजरिया में, हाँ बजरिया में चूना डाल दिया गया है लोगों को सोमवार। खबर फर्रुखाबाद के राजपुर थाना क्षेत्र से है, जहां बीती रात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर लाखों के नकदी और जेवरात साफ कर दिए। चोरी लगभग 10 लाख की बताई जा रही है। लाखों की चोरी की सूचना पर पुलिस ने मौके पर आकर जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस को कमरे में सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। जिनका टेंट के व्यवसायी हैं, उनके द्वारा अभी अवगत कराया गया है कि उनके घर पे जो बक्सा लकड़ी का रखा था, उसमें कुछ धनराशि रखी थी। रात में चोर आए, लेकर के चले गए। उनके बच्चों का भी कुछ सामान था दूसरे बक्से में, वहाँ से लेके चले गए। हम लोग इसके लिए अलग से टीम को गठन करके इसकी पूरी गंभीरता से छानबीन कर रहे हैं, और घटना का अनावरण निश्चित रूप से किया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है। सीहोर के इछावर में ओवरलोड डंपर नर्मदा नदी से रेत भरकर नगर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं, लेकिन इस मामले में प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई ओवरलोड डंपरों की नंबर प्लेटों पर या तो नंबर नहीं है या फिर उनके नंबर घिसे हुए। रेत से भरे वाहनों की ट्रैकिंग न होना लोगों में जन चर्चा का विषय बना हुआ है। खनिज विभाग के अधिकारी भी कभी कभार दिखाई देते हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों का रेत माफियाओं से नेटवर्क काफी मजबूत। बिजनौर के थाना नगीना देहात क्षेत्र में एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस द्वारा शव को नाले से निकालकर शिनाख्त कराई गई। बता दें कि युवक के गले पर धारदार हथियार से कटे का निशान बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ। और सबकी बड़ी अपडेट आपको बता दें, कानपुर से आ रही है बड़ी खबर। कोर्ट ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हयात जफर समेत 4 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। इस वक्त की बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं कानपुर से, जहां पर
कोर्ट ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हयात जफर समेत चार आरोपी कोर्ट में पेश किए गए हैं। बलिया से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर जिला अधिकारी को निलंबित करने का आदेश, मंत्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने निलंबन का आदेश दिया है। योजनाओं की जानकारी नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई वहां पर हुई है। उद्यान अधिकारी नेपाल राम पर कार्रवाई से हड़कंप, उद्यान मंत्री बलिया में योजनाओं का निरीक्षण किया। इस वक्त की बड़ी अपडेट बलिया से आपको दे रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी को दिया गया है। बलिया से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, मंत्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने निलंबन का दिया निर्देश। योजनाओं की जानकारी नहीं देने पर हुई बड़ी कार्रवाई, उद्यान अधिकारी नेपाल राम पर कार्रवाई से हड़कंप। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए।